हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चंस, और ये जीके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। उन 5 सेकंड में आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना है, और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया वो भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए सत्यभामा दास बीजू, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी बिंदेश्वर पाठक, और ऑप्शन डी रहेगा अरुणाचलम मुरुगनाथम। सही आंसर है बी राजेंद्र सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ऑप्शन ए जंगली बतख, बी हमिंग बर्ड, सी है क्रॉन्च, और ऑप्शन डी है राजहंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड जो है ऐसा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी है 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम रोबोट कौन है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए सोफिया, ऑप्शन बी लेजी, ऑप्शन सी कैपेक, ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। सही आंसर है ऑप्शन ए सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है? ऑप्शन ए है राइनो वायरस, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी है फ्लेवी वायरस एंड ऑप्शन डी है वेरिसेला जोस्टर। सही आंसर है वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1927 एंड ऑप्शन डी है 1935। सही आंसर है ऑप्शन सी 1927। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी NO2 एंड ऑप्शन डी रहेगा H2 हाइड्रोजन गैस। सही आंसर है ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शीश महल या दर्पणों का महल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी एनीमिया एंड ऑप्शन डी है डायरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने से हो जाती है? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी टाइफाइड एंड ऑप्शन डी है प्लेग।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेबीज। रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी है कॉपर एंड ऑप्शन डी है आयरन। सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही आंसर है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 45 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 57 वर्ष और ऑप्शन डी है 55 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी 57 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दुनिया में सबसे सुंदर देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, दुनिया में सबसे सुंदर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी है शंघाई एंड ऑप्शन डी है अन्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी रहेगा एशिया। सही आंसर है ऑप्शन डी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2013 और अन्य। सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी बंगाल की शोक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी है कावेरी एंड ऑप्शन डी रहेगा झेलम। सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी रहेगा राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है जयललिता एंड ऑप्शन डी रहेगा विजय लक्ष्मी पंडित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, इसका सही आंसर होगा। तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए और आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। अपना स्कोर जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।